यहाँ पर इस वीडियो के दौरान हाइपर ओएस एंड एमआईयूआई थीम्स के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर सभी जो थीम है रेडमी एंड पोको डिवाइस के ऊपर काम कर जाएगा। यहाँ पर इस वीडियो के दौरान टॉप फोर न्यू एमआईयूआई एंड हाइपर ओएस थीम को आपके साथ शेयर करने वाले है। सभी थीम्स का जो है डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाके थीम स्टोर से सभी थीम को जो है डाउनलोड करना होगा। MIUI 12, MIUI 12.5, MIUI 13, MIUI 14 एंड HyperOS के साथ सभी जो थीम है काम कर जाएगा। तो यहाँ पर वन बाई वन सभी थीम को अप्लाई करते हैं, देखते कि यहाँ पर किस तरह से यूजर इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले हमने जो इस थीम को जो है अप्लाई किया है, थीम को अप्लाई करने के बाद फोन के ऊपर जरूर से रीस्टार्ट करना। रीस्टार्ट करने से क्या होगा, थीम जो है सभी प्लेस के ऊपर अच्छे से अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर इस थीम को अप्लाई करने के बाद जो कुछ इस तरह से यूआई देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर सर्च बार के साथ जो है चेंजेस देखने को मिलेगा, बैटरी बार, म्यूट आइकॉन, नेटवर्क आइकॉन के साथ चेंजेस है, यहाँ पर क्लॉक स्टाइल के साथ चेंजेस देखने को मिलता है, वेदर विजेट्स का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है एंड कुछ इस तरह से वॉलपेपर देखने को मिल जाएगा। आइकॉन की अगर बात करें सभी सिस्टम एप्लीकेशन के साथ जो है चेंजेस देखने को मिलता है, यहाँ पर वेदर, गैलरी, कैलकुलेटर, रिकॉर्डर, नोट्स, फाइल मैनेजर, कॉम्पस, क्लॉक, सेटिंग्स, थीम, डायलर सभी के साथ जो है चेंजेस देखने को मिल जाएगा। कुछ इस तरह से आइकॉन देखने को मिलेगा। आपको आइकॉन पैक कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बताना। यहाँ पर डायलर के साथ हमने कोई भी चेंजेस को नोटिस नहीं किया है, बट सर्च बार के साथ जो है चेंजेस है। मैसेजिंग एप्लीकेशन के साथ भी हमने कोई भी चेंजेस को नोटिस नहीं किया है। क्विक सेटिंग्स पैनल की अगर बात करें, MIUI 11 कंट्रोल सेंटर के साथ भी कोई भी चेंजेस को नोटिस नहीं किया है। जैसे कि आपको बताया है डिवाइस को रीस्टार्ट करने के बाद जो है ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल सकता है। एंड यहाँ पर कुछ कुछ थीम के साथ जो है बूट एनिमेशन, चार्जिंग एनिमेशन को भी ऐड किया गया है एंड कुछ इस तरह से सेटिंग्स मेनू के साथ UI है। यहाँ पर नया वाला कंट्रोल सेंटर के साथ कुछ इस तरह से UI देखने को मिलेगा। लॉक स्क्रीन की अगर बात करें कुछ इस तरह से लॉक स्क्रीन UI देखने को मिलता है, काफी बढ़िया है। यहाँ पर लॉक स्क्रीन शॉर्टकट का ऑप्शन है, फ्लैशलाइट कैमरा का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, जो डेप इफेक्ट है यहाँ पर अवेलेबल है। प्लस आप जो है डिफरेंट डिफरेंट वॉलपेपर को भी सिलेक्ट कर सकते कुछ इस तरह से, यहाँ पर अलग अलग जो है वॉलपेपर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको फोर अलग अलग वॉलपेपर देखने को मिलेगा डिफरेंट डिफरेंट वेदर के टाइम, जो कि काफ़ी सही है। तो डेफिनेटली इस थीम को ट्राई करके देखो, काफ़ी डिफरेंट एंड यूनिक एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो थीम है, नेक्स्ट थीम को सिंपली यहाँ पर अप्लाई करते हैं, इस थीम को अप्लाई करते हैं एंड हाइपर ओएस MIUI दोनों के साथ ही काम कर जाएगा, रेडमी पोको एंड शामी डिवाइस के साथ। तो यहाँ पर इस थीम के साथ जो कुछ इस तरह से आइकॉन देखने को मिल जाएगा, काफ़ी डिफरेंट एंड काफ़ी यूनिक आइकॉन देखने को मिलता है, गैलरी, वेदर, कैलकुलेटर, रिकॉर्डर, क्लॉक, यहाँ पर सभी आइकॉन के साथ जो है चेंजेस देखने को मिलेगा, सेटिंग्स, थीम सभी के साथ चेंजेस है। यहाँ पर जो वेदर विजेट्स का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, डेट एंड क्लॉक का जो विजेट्स से ऐड किया गया है, काफ़ी डिफरेंट क्लॉक स्टाइल देखने को मिल जाएगा, वेदर स्टाइल को ऐड किया गया है। आइकॉन की अगर बात करें, आइकॉन के साथ साथ यहाँ पर डायलर के साथ भी चेंजेस है, यहाँ पर डायलर पैड के साथ जो है चेंजेस देखने को मिल जाएगा। कम्प्लीटली यहाँ पर रीडिजाइन यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा डायलर पैड के साथ। एंड मैसेजिंग एप्लीकेशन की अगर बात करें, यहाँ पर हमने मैसेजिंग एप्लीकेशन के साथ जो है कोई भी चेंजेस को नोटिस नहीं किया है। यहाँ पर कंट्रोल सेंटर के साथ जो कुछ इस तरह से UI है, यहाँ पर कंट्रोल सेंटर के ऊपर जो सेटिंग्स आइकॉन है इसके साथ जो है चेंजेस देखने को मिलता है। वॉल्यूम पैनल के साथ भी चेंजेस देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आइकॉन के ऊपर चेंजेस है। सेटिंग्स मैंने के साथ हमने चेंजेस को नोटिस नहीं किया है। यहाँ पर स्विच स्टाइल के साथ भी कोई भी चेंजेस को मैंने नोटिस नहीं किया है। एंड MIUI 11 कंट्रोल सेंटर के साथ जो है चेंजेस देखने को मिलता है, देख सकते हो यहाँ पर आइकॉन के साथ चेंजेस है, यहाँ पर वाईफाई आइकॉन, ब्लूटूथ आइकॉन, म्यूट आइकॉन, रीडिंग मोड, डार्क मोड, हॉटस्पॉट सभी आइकॉन के साथ चेंजेस है। ब्राइटनेस पैनल के साथ भी चेंजेस
देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें पर लॉक स्क्रीन के बारे में, तो कुछ इस तरह से लॉक स्क्रीन के साथ जो है यूआई देखने को मिलता है, पर एनिमेशन को भी ऐड किया गया है, वेदर विजेट्स का जो ऑप्शन है अवेलेबल है, एंड यहाँ पर लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है, पर जो नेविगेशन बार है इसे लॉन्ग प्रेस करके स्वाइप अप करने के बाद ये सभी कस्टमाइजेशन ऑप्शन देखने को मिलेगा। डिफरेंट डिफरेंट क्लॉक स्टाइल को सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर विजेट्स का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, प्लस यहाँ पर म्यूट स्क्रीनशॉट, यहाँ पर म्यूट फ्लैशलाइट, ये सभी आइकॉन्स भी अवेलेबल है। एनीवे अभी फिलहाल बात कर लेते हैं यहाँ पर जो है नेक्स्ट थीम के बारे में। तो यहाँ पर ये जो थीम है, इस थीम को सिंपली यहाँ पर अप्लाई करते हैं। बाय द वे MIUI थीम का जो प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाकर अलग अलग थीम का जो रिव्यू वीडियो है उसे भी चेकआउट करके देख सकते हो। तो ये जो थीम है अप्लाई हो गया है। सबसे पहले इस थीम के साथ जो है सरस बार के साथ चेंजेस देखने को मिलेगा, बैटरी बार या पर नेटवर्क आइकॉन, ब्लूटूथ आइकॉन के साथ चेंजेस है, कुछ इस तरह से यहाँ पर वॉलपेपर देखने को मिल गया है, यहाँ पर वेदर विजेट्स का ऑप्शन है, डेट एंड टाइम का जो विजेट्स है ऐड किया गया है, यहाँ पर आइकॉन के साथ भी चेंजेस देखने को मिलेगा, यहाँ पर जो है वेदर गैलरी, कैलकुलेटर, रिकॉर्डर, नोट्स, क्लॉक सेटिंग्स, थीम, डायलर, मैसेज, सभी आइकॉन के साथ जो है चेंजेस देखने को मिलेगा। कंप्लीटली आइकॉन के ऊपर चेंजेस देखने को मिलता है। यहाँ पर डायलर के साथ भी चेंजेस देखने को मिल जाएगा, डायलर का जो यूआई है कंप्लीटली चेंज हो गया है, आइकॉन के साथ भी चेंजेस देखने को मिलेगा, प्लस सरस बार के साथ भी चेंजेस है। मैसेजिंग एप्लीकेशन की अगर बात करें, यहाँ पर मैसेजिंग एप्लीकेशन के साथ हमने कोई भी चेंजेस को नोटिस नहीं किया है। यहाँ पर जो है वॉल्यूम पैनल के साथ भी चेंजेस देखने को मिलते हैं, कुछ इस तरह से वॉल्यूम पैनल देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर MIUI 11 कंट्रोल सेंटर के साथ जो है स्कैनर आइकॉन के साथ जो है चेंजेस देखने को मिलता है, फ्लोटिंग विंडो आइकॉन के साथ जो है चेंजेस देखने को मिल गया है। यहाँ पर सेटिंग्स में कम्प्लीटली चेंज हो गया है, वाईफाई आइकॉन, ब्लूटूथ आइकॉन, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, साउंड, वाइब्रेशन, नोटिफिकेशन, बैटरी आइकॉन, सभी आइकॉन के साथ जो है चेंजेस देखने को मिलता है। एंड नया वाला कंट्रोल सेंटर के साथ भी कुछ इस तरह से यूआई देखने को मिल जाएगा, डेफिनेटली यहाँ पर आइकॉन के साथ चेंजेस है। अगर बात करें पर लॉक स्क्रीन के बारे में, तो कुछ इस तरह से लॉक स्क्रीन के साथ जो है एनिमेशन को ऐड किया गया है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर डेप्थ इफेक्ट का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, कुछ इस तरह से काफ़ी हद तक मिनिमल लॉक स्क्रीन यूआई देखने को मिल जाएगा। एनी पर फिलहाल बात कर लेते हैं पर जो नेक्स्ट थीम के बारे में, नेक्स्ट थीम को सिंपली यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर इस थीम के साथ जो कुछ इस तरह से यूआई देखने को मिलेगा, यहाँ पर वेदर विजेट्स का ऑप्शन है, डेट एंड टाइम का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, सभी आइकॉन के साथ भी चेंजेस देखने को मिल जाएगा, वेदर गैलरी, कैलकुलेटर, जितने भी सिस्टम एप्लीकेशन के ऊपर सबसे पहले चेंजेस देखने को मिलता है, कुछ इस तरह से सरस बार है। एंड यहाँ पर म्यूट आइकॉन बैटरी बार के साथ भी चेंजेस देखने को मिलेगा, एंड कंट्रोल सेंटर के साथ भी चेंजेस देखने को मिलता है, डायलर के साथ भी यहाँ पर चेंजेस देखने को मिल जाएगा, मैसेजिंग एप्लीकेशन के ऊपर भी आइकॉन के ऊपर चेंजेस है, सेटिंग्स मेनू के साथ भी कुछ इस तरह से चेंजेस देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर MIUI 11 कंट्रोल सेंटर के साथ कुछ इस तरह से यूआई है। एंड लोकेशन की अगर बात करें, यहाँ पर फ्लैशलाइट कैमरा का ऑप्शन है। आपको कौन सा थीम सबसे ज्यादा बढ़िया लगा है जरूर से कमेंट करके बताना।